सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत आज महाराष्ट्र के 49वें संत समागम पर आप सभी यहाँ नवी मुंबई खारघर के इन मैदानों में उपस्थित हुए हैं, जहाँ पर करीब एक वर्ष पहले भी ऐसा ही भव्य रूप बना था। 48वें संत समागम के अवसर पर और आप सभी महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न शहरों, गांव, कस्बों से, खेड़ों से चलकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक मानवता, इंसानियत का पैगाम लिए हुए संसार में जो आज इंसान और इंसान के दरमियान दूरियां हो चुकी हैं, इन दूरियों को समाप्त करके भाईचारे की भावना को मजबूत करने के लिए अमन शांति के साथ इस जीवन के सफ़र को तय करने के लिए आप सभी संसार को ये योगदान दे रहे हैं। और सभी महात्माओं, वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने युगों युगों से यही पाठ इंसान को पढ़ाया था, ताकि इंसान इस धरती पे इंसान बन के जिए, इंसानी चाल चलते हुए एक हैवानी फितरत, शैतानी फितरत जब जब भी हावी हुई है, तब तब ही सारी मानव जाति का नुकसान हुआ है, तब तब ही धरती का नुकसान हुआ है। इसीलिए इंसानियत वाली भावनाएं मजबूत रहें, इंसानियत जिंदा रहे, इसीलिए आप वही पाठ महापुरुषों, संतों, वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों का वो अपनाते भी हैं और दोहराते भी हैं और उसी पे आधारित पैगाम दिए जाते हैं। तो ये एक संसार को इसकी ज़रूरत है। विश्व भर में हम हालातों को देखते हैं, कैसे दर्दनाक दृश्य हमें देखने को मिलते हैं, कैसी कत्लो गारत हमें देखने को मिलती है, किस तरह से हिंसक प्रवृत्ति जो है ये इंसान में स्थापित होती चली जा रही है। तो ये एक हिंसा वाला वातावरण ये सब के लिए नुकसान का कारण है। इसलिए प्यार, भाईचारे की ज़रूरत है। मिलजुल कर एक दूसरे के दुख सुख बांटने के लिए ही इंसान आगे आए, और इसी के कारण सारे ही वातावरण, चाहे हमारे घरों के हैं, चाहे समाज के हैं, चाहे प्रांत के हैं, चाहे देश के हैं, चाहे विश्व के हैं, सभी जगह के वातावरण ये सुंदर बनते चले जाएं। इसीलिए आज आप इस समागम पर उपस्थित हुए हैं, इसी पैगाम को लिए हुए। सात संगत जी, धन्यवाद।